यस स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रिवीजन क्लास, क्विक रिवीजन होगा और इस रिवीजन में मैं ट्राई करूंगा कि आपको पहले तो एक बेसिक पूरा थ्योरी बताऊं और फिर जो जेईई में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है वो डिस्कस करूं। इस क्विक रिवीजन क्लास में और रेगुलर क्लास में क्या डिफरेंस होता है, आप में से कुछ लोगों ने पूछा था, मैं बता दूं कि देखिए जब हम बात करते हैं रेगुलर क्लास की तो रेगुलर क्लास में यही टॉपिक मुझे कवर करवाने में एटलीस्ट 10 to 15 क्लास लगती हैं, जब जाके ये डिटेल में कवर होता है। तो जब रेगुलर क्लास की बात होती है तो हर एक छोटी छोटी पॉइंट्स को हम ऑब्जर्व करते हैं, हर एक तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पर क्योंकि अब हमारा टाइम आ गया है कि अब हमें अगले नेक्स्ट वीक में IIT का एग्जाम देना है, ऐसे में हम क्या चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जिसको रिवाइज करें, क्योंकि आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कितना रिवाइज करना। आप रिवाइज करने बैठते हैं कई बार 4-4, 8-8 घंटे लगा देते हैं, ऐसा नहीं, हार्डली 1-1.5 आवर में आपको पूरा टॉपिक रिवाइज भी करना है और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। यही एक टेक्निक डेवलप करनी है। दूसरी बात कि जेई में क्वेश्चंस को देख के क्या थॉट्स आना चाहिए वो इस सेशन में मैं ट्राई करूंगा कि आप समझ पाएं, क्योंकि मेरी कोशिश ये है, ये जो रिविजन क्लास में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ लाइव, उनका पर्पज़ ये है कि आप कैसे जेई में 100+ स्कोर कर पाएं। आप बिल्कुल कर सकते हैं 100+, केवल मैथ्स में कर सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री की तो बात छोड़ दीजिए, पर शर्त है कि आप क्वेश्चंस की सॉल्विंग अप्रोच को समझो, टेक्निक्स को समझो। आप ट्रिक्स करते हैं, मैं आपको बता दूं कि मैं जो आपको तरीका बताऊंगा उससे अच्छा कोई तरीका नहीं हो सकता, कोई ट्रिक्स नहीं। ढेरों ट्रिक्स के बाद भी मैं हमेशा बोलता हूं सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक होती है कंसेप्ट बनाना, स्टेप्स को सेविंग करना और क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स को डेवलप करना, ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर वो आपको क्लियर है तो आपको कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं आ सकती। कई बार हमें यही कंफ्यूजन होता है इसलिए प्रॉब्लम आती है। तो अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्विक रिवीजन करते हैं और साथ में वो क्वेश्चंस करते हैं इंपॉर्टेंट जो आए हुए हैं या जिस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं और क्वेश्चन को देखे कैसे थॉट डेवलप करना, और अभी कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक का भी मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा, सेशंस लूंगा, जिससे कि आप जब एग्जाम दें तो ये सेशंस आपके काम आए। और इन 1-2 सेशन 4-5 सेशन 8 सेशन इन सब सेशन का एक ही पर्पज है कि आप ये समझ पाए कि जो बाकी टॉपिक्स हैं उनको भी इसी ढंग से हम अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक आपको पता है, पर फिर भी एक बार क्विक हम लोग समझ लें कि हम पहले तो बात करें अगर इक्वेशन की, तो इक्वेशन मतलब जो वेल डिफाइंड हो, दिस इज लीनियर इक्वेशन, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बहुत बेसिक है जिसका आपको नॉलेज है, या क्यूबिक इक्वेशन, या 4-डिग्री इक्वेशन, 5-डिग्री इक्वेशन, ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही पार्ट हैं। अब जितनी डिग्री होगी, ऑब्वियसली जितनी डिग्री होगी उतने ही रूट्स होंगे। जैसे आपको पता है इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट 1, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ 2, इसमें 3, इसमें 4। अब अगर हम बात करें जब डिग्री 2 होती है तो उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको सॉल्व करने के देर आर 2 मेथड। इन सब चीज़ों को हम स्किप करते हुए आगे बढ़ेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड और फॉर्मूला मेथड। जब हम फॉर्मूले मेथड पर जाते हैं तो आपको पता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A। फैक्टर बनाते समय आपको ध्यान ये रखना है, थोड़ा स्पीड में ही लूंगा, आपको भी इसी स्पीड में पढ़ाई की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि जितना आपका स्पीड और एक्यूरेसी होगा उतने आपके अटेम्प्ट बढ़ेंगे। तो BX को किस ढंग से ब्रेक करना है कि दोनों का समेशन जो है वो BX के इक्वल आए, प्रोडक्ट AC के इक्वल आए। अब पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको पता है ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि बी स्क्वायर माइनस 4AC, ये इसको कहते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट, और सारे कंसेप्ट आगे इसी पे बेस्ड होते हैं कि इफ डी इज ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, डी इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रियल, डी लेस देन 0 रूट्स आर इमेजिनरी। अब डी ग्रेटर देन 0 है बट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो रूट्स आपको पता है रैशनल होंगे, डी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है रूट्स इरेशनल होंगे, राइट, डी लेस देन 0 है तो इमेजिनरी रूट्स होंगे। अब जब हम बात करते हैं IIT की, तो IIT में और बाकी एग्जाम में क्या डिफरेंस होता है समझिए कि आप कोई और एग्जाम दे रहे हैं, सपोज आप NDA दे रहे हैं, सपोज आप MCA दे रहे हैं, तो आपको कई बार क्वाड्रेटिक के डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, पर जब आप JEE की बात करते हैं तो इंटरकनेक्शन बहुत होगा। आप क्वेश्चन कर रहे होंगे क्वाड्रेटिक के, हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट लगे, हो सकता है फंक्शन का लगे, हो सकता है मैक्सिमम मिनिमा का लगे, ये एक चीज है जो आपको समझना है। तो इस क्विक रिविजन क्लास में मैं इस चीज पर बहुत फोकस करूंगा आपके साथ कि आप क्या क्या चीजें हैं जो ऑब्जर्व करो जिससे कि आपका क्वेश्चन राइट भी हो और मिनिमम टाइम में हो। ये एक चीज अगर आपने समझ ली तो आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि अगर हम रूट्स को देखना चाहें, इरेशनल नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं, तो ये एक बेस है। अब इस बेस पे आपको, आप कई बार आपको बोलते हैं कॉमन रूट्स, कभी कभी बोलते हैं बोथ रूट्स आर कॉमन, ये एक बेसिक पार्ट है जिसको आपको पता है। अब इसमें क्या करना चाहिए और क्या चीजें पढ़ना इंपॉर्टेंट है वो मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा। अच्छा, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री या फिफ्थ डिग्री के
प्रैक्टिस बनाना भी यहाँ पे बताऊंगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ इन इक्वेशन का एक बेस भी कवर करेंगे। अच्छा, अगर इसमें एक और प्रॉपर्टी है कि अगर आपको पता है इसके टू रूट्स हैं तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है इज माइनस बी बाय ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज सी बाय ए। कई बार रूट्स पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत मिलेंगे और याद रखिएगा कि अगर आपसे कभी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बोलें तो डायरेक्टली आपके दिमाग में होना चाहिए फॉर्मूले कहीं नहीं लिखना, स्टेप्स को कम से कम लिखना, स्टेप सेविंग इस सबसे अच्छी टेक्निक्स होती है क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। या अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, दिस इज अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। मैं आपको बोलूंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने तो आपके दिमाग में फॉर्मूला ये नहीं ये आना चाहिए, यानी आप किसी को भी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म में बना लें। मान लीजिए अल्फा 4 प्लस बीटा 4 है तो पहले तो आप लिखोगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, राइट। और फिर इसको ऐसा लिखोगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, लाइक दिस। यानी आपकी टेक्निक्स पे सब चीजें डिपेंड करेंगी, तो आप जो भी फॉर्म दिए आप उसको इमीडिएटली कन्वर्ट कर पाए। अच्छा, अब क्योंकि अब यहां बात कर रहे हैं तो ये याद रखिएगा कि सेकंड अपॉन फर्स्ट, थर्ड अपॉन सेकंड, जैसे अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो इसमें रूट्स होंगे सपोज अल्फा बीटा गामा। क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करना है वो मैं बताता चलता हूं और आप देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो पहले एक रिवीजन फिर क्वेश्चंस। इस पूरे सेशन को बहुत अच्छे से समझिए, देखिए मैं बिल्कुल श्योर हूं क्योंकि हर साल क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे एक क्वेश्चन आता है। ना केवल आप क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन करेंगे बल्कि मैथ्स के कई टॉपिक्स में आपके थिंकिंग प्रोसेस चेंज हो जाएंगे और वही चीज है क्योंकि रिवीजन क्लास का पर्पस कि आपकी थिंकिंग प्रोसेस चेंज होना चाहिए। टफ क्वेश्चन नहीं करना है, बेसिक फाउंडेशंस पे वर्क करना है। जितना स्ट्रांग फाउंडेशन होगा समझ लीजिए उतने अच्छे से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब सपोज इसके थ्री रूट्स हैं तो आपको पता है कि सम ऑफ रूट्स हमेशा याद रखिएगा सेकेंड अपॉन फर्स्ट यानी माइनस बी बाय ए, टू टू के कॉम्बिनेशन ले ले इस पे राइटिंग वर्क कम से कम करिए तो सी बाय ए, स्टार्ट हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव होगा तो माइनस बी बाय ए देन सी बाय ए, तीनों के ले लें तीनों एक साथ ले लें अल्फा बीटा गामा देन दिस इज माइनस डी बाय ए, राइट। फोर डिग्री इक्वेशन है, थर्ड डिग्री फोर डिग्री के मैं फैक्टर्स बनाने का भी आपको शॉर्ट टेक्निक बताऊंगा। मान लीजिए कि फोर डिग्री इक्वेशन है तो फोर डिग्री इक्वेशन है तो क्या करेंगे, सिंपल सम ऑफ रूट्स की बात करें तो माइनस बी बाय ए ये हमेशा होता है सेकंड अपॉन फर्स्ट नेगेटिव से स्टार्ट, फिर टू का कॉम्बिनेशन लीजिए देन सी बाय ए, फिर थ्री का कॉम्बिनेशन लीजिए माइनस डी बाय ए, फिर फोर ले लीजिए अल्फा बीटा गामा डेल्टा दिस इज माइनस ई बाय ए सॉरी प्लस ई बाय ए, माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता जाएगा। फिफ्थ डिग्री है तो भी यही कंसेप्ट है, सिक्स डिग्री है तो भी यही कंसेप्ट है। अब बात करते हैं इन इक्वेशन के सॉल्यूशंस की, तो इन इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं वो बताता हूं। सबसे पहले याद रखिएगा कि जब भी इन इक्वेशंस की बात की जाए बहुत कम टाइम में आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं और जब भी रिविजन करें बुक ओपन नहीं करनी। अभी जो समय है लास्ट वन वीक टू वीक में जो पढ़ने वाला समय होता है वो होता है बुक के बिना पढ़ना, केवल बुक खोलने की जरूरत। जैसे अभी जब मैं आपको पूरा रिवीजन करवाऊंगा उसके बाद क्वेश्चंस के लिए मैं जेई के क्वेश्चंस के लिए वो बुक को रेफर करूंगा, अदरवाइज कोई थ्योरी के समय जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इनफैक्ट इतने अच्छे से रिवीजन करो पॉसिबल क्वेश्चन धीरे धीरे आपको याद अपने आप आते जाएंगे। वही चीज है, आपको आता सब कुछ है पर हमें ऐसा लगता है हम भूल गए इसलिए हमें भूल जाते, पर ऐसा नहीं होता। हमारे कोई भी चीज हम एक बार सुन लें पढ़ लें देख लें हमें याद रहती है पर उसको रिकॉल करने का समय होता है। तो अब बात करते हैं अगर इन इक्वेशंस हो तो नॉर्मली जैसे अगर मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं, इसके फैक्टर आपको पता ही बन गए, आपने लिखा टू थ्री। बट अगर ऐसा दिया है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स ग्रेटर देन जीरो, अब कॉमन मिस्टेक्स बता रहा हूं जो कई बार बच्चे कर देते हैं, इसको कभी भी हम ऐसा नहीं लिख सकते। सबसे इंपॉर्टेंट है हम जो करें वो राइट करें, ऐसा नहीं लिख सकते। तो इन इक्वेशंस के दो फैक्टर अगर पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव का मतलब है ग्रेटर देन जीरो मींस पॉजिटिव, लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव, तो कभी भी इन इक्वेशंस को आपको मैंने सॉल्व करने की टेक्निक्स बताई हुई है, बेसिक पूरा आपके पास है, फाउंडेशंस कोर्स पूरा आपके पास है। अब अगर यहां पर हम देखें तो हमें टू रूट्स मिलेंगे, इनको अरेंज कर लिया करें रियल लाइन पे टू थ्री असेंडिंग ऑर्डर में टू वर्ड राइट टू लेफ्ट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव चाहिए तो ये वाला सेक्शन, नेगेटिव चाहिए तो ये सेक्शन। अब इंपॉर्टेंट बात जो सब चीजें मैंने पढ़ाई हुई है कि अगर ग्रेटर देन लिखा है तो एक्स बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू टू यूनियन ऑफ थ्री टू इन्फिनिटी, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा है तो क्या होगा एक्स बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू टू, ये कहलाते हैं टर्निंग पॉइंट, मैक्सिमम मिनिमम भी ये कंसेप्ट काम आता है थ्री टू इन्फिनिटी। यही चीज में अगर लेस देन लिखा होता जीरो तो आप बोलते
टू टू थ्री, लेस देन इक्वल टू जीरो होता तो आप बोलते हैं टू टू थ्री क्लोज इंटरवल। यानी आपको छोटी छोटी बातें जो ध्यान रखनी। अब इन क्वेश्चन में अक्सर जो मिस्टेक्स होती हैं वो क्या होती है वो भी बताता हूँ। वो चीज़ अगर आपने समझ ली तो आपकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व होगी। नंबर वन कि इन क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में हो सॉल्विंग अप्रोच यही होगी। अब मान लीजिए आपको ये दिया हुआ है x प्लस टू एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस फोर इंटू एक्स माइनस सिक्स ग्रेटर देन जीरो। तो सबसे पहले याद रखिए फोर फैक्टर है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जो भी दिया हो आप रियल लाइन पे वैसे ही लीजिए। सबसे पहले आएगा माइनस फोर, फिर आएगा, मैं आपको पॉसिबल मिस्टेक सब बताता हूँ चलूंगा, थ्री, फिर आएगा सिक्स, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आपको ग्रेटर देन इक्वल टू जब भी लिखा हो तो क्या होता है हम कई बार मिसकंसेप्ट बना लेते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ जब भी इक्वल टू लिखा होता है टर्निंग पॉइंट इंक्लूड होते हैं, बट जैसे ही पी बाई क्यू आया, ये चीजें अगर आपके ऑब्जर्वेशन में, आपका जेई का क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं हो सकता। हम छोटी छोटी चीजों में मिस्टेक करते हैं इसलिए क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं। अब क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी आप ऐसा अगर लिख गए बाई चांस माइनस इन्फिनिटी टू माइनस फोर यूनियन माइनस टू टू थ्री यूनियन सिक्स टू इन्फिनिटी, देन योर आंसर इज रॉन्ग बिकॉज एक्स की वैल्यू माइनस फोर और सिक्स नहीं हो सकती। तो जहां माइनस फोर है वहां पर ओपन इंटरवल होगा, जहां सिक्स है यहां पर ओपन इंटरवल होगा। यानी न्यूमरेटर वाले फैक्टर्स आ सकते हैं, डिनोमिनेटर वाले फैक्टर्स नहीं आ सकते। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ही सपोर्टिंग टॉपिक्स है, एक साथ ही इसका रिविजन करना है आपको। अब बात करता हूं मैं कि अब एक और मिस्टेक, जैसे मान लीजिए कभी ऐसा लिखा है टू अपॉन टू एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन फोर अपॉन एक्स प्लस वन। अक्सर एक कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं, समझिए क्या, कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ये लिखा टू एक्स प्लस टू ग्रेटर देन एट एक्स माइनस ट्वेल्व, क्या किया टू एक्स प्लस टू ग्रेटर देन एट एक्स माइनस ट्वेल्व। अब आपने क्या करा, इसको ट्रांसफर किया तो ये हो गया सिक्स एक्स माइनस फोर्टीन लेस देन जीरो या थ्री एक्स माइनस सेवन लेस देन जीरो, यस और नो। और इसको ऐसा लिखा थ्री एक्स लेस देन सेवन देन एक्स लेस देन सेवन बाय थ्री, और फिर आपने बोला एक्स बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू सेवन बाय थ्री। अब इसमें मिस्टेक क्या, समझिए ये आंसर गलत नहीं है बट ये इनकम्प्लीट आंसर है। इन इक्वेशन में याद रखिएगा कि कभी भी वेरिएबल टर्म का क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता है, राइट यानी इसका मतलब ये हुआ कि क्रॉस मल्टीप्लाई वेरिएबल कॉन्स्टेंट होगा तो दिक्कत नहीं। आप इसको ऐसे लिखिए, अब क्या होगा ये लिखने के बाद, आपने लिखा 2x प्लस टू माइनस एट एक्स प्लस ट्वेल्व ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन जीरो अपॉन 2x माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस वन, राइट ये पहला काम। अब देखिए कितना मिला माइनस सिक्स एक्स प्लस फोर्टीन अपॉन टू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस वन। अब एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जब भी इन इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो तो एक्स का हर फैक्टर पॉजिटिव होना जरूरी है, राइट आप कई बार रजिस्टर भरते जाते हो, बुक पे बुक गाइड पे गाइड सॉल्व करते जाते हो पर बेसिक क्लियर नहीं होता, इसलिए कभी भी कमांड या कॉन्फिडेंस नहीं आता। अब ये चीज नहीं करनी बल्कि बेसिक कैसे करना है, कहां पे क्या मिस्टेक हो सकती है, वो चीज अगर आपने ऑब्जर्व कर ली तो प्रॉब्लम खत्म। अब देखिए यहां पर क्या होगा, तो एक्स निगेटिव नहीं होना चाहिए, है आपको पता है माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो देयरफॉर एक्स इज लेस देन जीरो, एक्स लेस माइनस एक्स लेस देन जीरो देन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब इसको आप ऐसा लिखेंगे सिक्स एक्स माइनस फोर्टीन अपॉन टू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस वन लेस देन जीरो। रूट्स को अरेंज करिए, पहले आया माइनस वन, फिर आया थ्री बाय टू, और फिर आया कितना फोर्टीन बाय सिक्स, यानी टू से कैंसिल कर दीजिए सेवन बाय थ्री, राइट अरेंजिंग ऑर्डर यही रखेगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये ध्यान रखिएगा सबसे पहले क्या आया, सबसे छोटा माइनस वन, फिर क्या आया थ्री बाय टू, और फिर क्या आया, फिर देखिए कितना आ गया, ये इसको आपने जीरो से क्विट किया तो ये आ गया सेवन बाय थ्री। अब आपको क्या चाहिए निगेटिव, तो निगेटिव क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन ओपन इंटरवल, सॉरी माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन ऑफ थ्री बाय टू टू सेवन बाय थ्री, राइट तो अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपसे बिल्कुल पॉसिबल है कि आंसर में मिस्टेक हो जाए। समझ लीजिए कि सबसे पहले तो आपको ट्रांसफर करना है, ये बात ध्यान रखिएगा कि ये जैसे ट्रांसफर किया तो कितना हो गया एट एक्स माइनस माइनस प्लस हो गया ट्वेल्व, टू एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस वन। अब इसको सॉल्व किया तो माइनस सिक्स एक्स प्लस फोर्टीन अपॉन टू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस वन, देन ये पूरा रिजल्ट आ गया। तो आपको ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी है कि अगर कभी भी इन इक्वेशन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई ना करें। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे वापस आते हैं कि
कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किस तरह के क्वेश्चंस को समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कहां पे आपसे मिस्टेक होती है। जैसे अगर मैं बोलूं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, ये मैं आपको बताऊंगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया हूं, ये क्वेश्चन आपने देखे होंगे, रूट सिक्स अप टू इनफाइनाइट। सपोज इस तरह का क्वेश्चन है, आपको ऑप्शन ऐसे दिए होंगे, मान लीजिए 3 - 2। कई बार ऑप्शन से भी आप रिजेक्ट कर सकते हो, सी 3 - 2 डी एस, मान लीजिए नन। अब एक चीज समझिए, इसका आंसर अगर मैं देखूं तो बिना सॉल्व करे भी इसका आंसर आप बता सकते हैं। कैसे? क्योंकि आप यहां पर एक चीज देख रहे होंगे कि अगर मैं इसको करना चाहूं तो √6 की वैल्यू अगर अकेले होती तो √6 मतलब 2 point something, यानी 2 से बड़ा ही आंसर होगा, ये 2 से छोटा नहीं हो सकता, इसमें एक 2 से छोटा नहीं हो सकता, बचाइए राइट। 6 का फैक्टर होता है 2 into 3। अब कहां मिस्टेक्स होगी वो भी बताता हूं। बाकी करने का अप्रोच आपको पता है, 6 + x लिखा, देन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, x² - x - 6 = 0, देन x - 3 into x + 2। ये लास्ट टाइम के जो क्विक रिविजन सेशन है, मैं बिल्कुल श्योर हूं अगर ये सेशन अच्छे से कर लिया आपने, आपका स्कोर में बहुत चेंज आ जाएगा। आप देखिए क्या हो गया, एक्स की एक वैल्यू आ गई 3, एक आ गई -2। अब ध्यान रखिएगा कि -2 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि √6 है, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर विल बी 3। अब जैसे मान लो आपको क्वेश्चन ऐसा है, √20, √20, √20, इसके फैक्टर बन रहे हैं 4, 5, 4 से बड़ा आंसर होगा, करेक्ट आंसर हुआ 5, करेक्ट आंसर हुआ, इसके फैक्टर बना लिए 4 × 5, 4 से बड़ा आंसर होना चाहिए, 4 से बड़ा अगर एक ही ऑप्शन है तो वही लीजिएगा। बाकी मेथड से करने की बात आई तो सिंपल, x² = 20 + x, देन फैक्टर्स बनाए आपने तो देखिए क्या आ गया, x + 5 × x - 4 = 0, therefore x - 5 आएगा और x + 4 - 5 and -4, तो करेक्ट आंसर इज 5 इज अ राइट आंसर राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, अब इसमें कहां मिस्टेक होती है वो भी बताता हूं। मान लीजिए मैंने ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि √40, √40, √40। अब देखिए इसके फैक्टर ऐसे नहीं बन रहे जैसे इधर बनाए थे हमने 40 के, तो अब यहां पर एक चीज समझिए कि 40 है 36 से बड़ा है, यानी 6 से बड़ा आंसर होगा। अब 6 से बड़ा आंसर जो भी हो वो आप ले सकते हैं, 6 से बड़ा जो भी आंसर होगा वो होगा, क्योंकि 6 + something is greater than 6। अब एक चीज समझिए, इसको करने का तरीका तो वही रहेगा, 40 + x, then x² - x - 40 = 0, फैक्टर बनाए, क्या हो गया, फैक्टर बनेंगे नहीं तो x = -1, तो 1 + -b² - 4ac, तो ये हो जाएगा 161/2। अब देखिए एक बार आएगा 1 + √161, एक ऑप्शन ये भी दिया होगा, यहां पर कई बार क्लिक नहीं करता, एक ये दिया होगा, निगेटिव हो नहीं सकता, तो बचा क्या आंसर, ये वाला फॉर्म आ गया राइट। ये एक टाइप हुई, कभी कभी ऐसे भी आ सकते हैं क्वेश्चन, 2 + 1/2 + 2 + 1/2 up to infinite। अब एक चीज समझिए, इसका आंसर क्योंकि वैल्यू बढ़ती तो जा रही है पर कम भी होती जा रही, तो यानी ये एक ऐसा नंबर हो सकता है जो इरेशनल नंबर हो। अब यहां पर देखिए 2 + something, यानी 2 से बड़ा जो आंसर होगा वही करेक्ट आंसर होगा, यानी ये अगर ऑब्जर्वेशंस लॉजिक क्लियर है तो कई बार आपका बहुत टाइम बचेगा। अब यहां पर अगर हम देखें तो एक चीज याद रखिएगा कि x = आपने लिखा 2 + 1/x, क्योंकि ये पूरा x बन गया, स्क्वायरिंग क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x² - 2x - 1 = 0। कई बार मिस्टेक ये हो जाती है कि हम इसे +1 लिख देते हैं और x - 1 का होल स्क्वायर लिख के हम बोलते हैं x = 1। याद रखिए 2 से बड़ा तो आंसर होना ही है, ये तो डिसाइडेड हो गया है कि 2 से ही बड़ा आंसर होगा। तो अब क्या होगा, तो अब देखिए आपने लिखा x², अब इसके फैक्टर नहीं बनेंगे तो फॉर्मूले मेथड पे गए तो 2 + -b² 4 + 4/2, यानी 2 + √2/2, यानी 1 + √2 और एक हो गया 1 - √2। अब 1 + √2 हो नहीं सकता क्योंकि ये नेगेटिव में चला जाएगा, तो करेक्ट आंसर विल बी 1 + √2। मैं बताता भी जा रहा हूँ, समझाता भी जा रहा हूँ, साथ में नोट करने की कोशिश करिए, सबसे ज़्यादा समझिए। और ये सब काम आपको कोई ज़रूरत नहीं है बुक ओपन करने की, सेल्फ रिवाइज करिए, आपको अपने आप बन जाएगा। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कई बार इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि सपोज 4 factors दिए हों, x + 1, x + 2, x + 3, x + 4, सपोज +1 = 0। इस तरह के क्वेश्चंस कैसे करेंगे, तो ऑब्वियसली इसमें क्या करेंगे आप कि कुछ पेयरिंग करेंगे, जैसे मान लीजिए 3 और 2 = 5, 1 और 4 = 5, तो इसको एक साथ ले लीजिए। ये स्टेप्स नहीं लिखनी है आपकी, पहली स्टेप्स क्या होना चाहिए वो मैं बताऊंगा,
क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए लिखी हुई है। आपकी फर्स्ट स्टेप होना चाहिए थी कि इनका जो मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो इसके मल्टीप्लाई से क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आपको केवल एक्स स्क्वायर प्लस 5x को y एज्यूम कर लेना, तो क्या हुआ ये y प्लस 4, आप नोट करते चलो, बाद में इसको चाहो तो सॉल्व कर लेना। अब देखिए बन गया वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25 इक्वल टू 0, राइट। वाई स्क्वायर प्लस 4y 10y प्लस 25 इक्वल टू 0। अब इसको देखो तो आपको मिल जाएगा y प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी y प्लस 5 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 5। माइनस 5 रख के आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, यानी डिपेंड ये करेगा कि क्वेश्चंस कहाँ पे कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, क्या एक अप्रोच हो कि जिससे आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाए, राइट। यस, तो ये एक टाइप हो सकती है जो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट टाइप होती है जो ध्यान रखिएगा, आपके रूट वाले क्वेश्चन आए या मॉडुलस वाले क्वेश्चन आए, तो उनमें क्या क्या चीजें हैं जो आपको ऑब्जर्व करनी है, क्योंकि अक्सर हम उनमें मिस्टेक कर देते हैं। जैसे एक बात याद रखिए, ये एक टाइप ऐसी है जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप मानता हूं मैं। इसमें अक्सर वो पूछते हैं नंबर ऑफ रूट्स, हो सकता है ये वाली फॉर्म हो सकता है ये वाली फॉर्म हो सकता है दोनों तरफ ही रूट्स हो, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब इस टाइप में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपसे वैल्यू ऑफ एक्स नहीं पूछेंगे, बल्कि पूछेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इन क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जैसे मान लो मैं क्वेश्चन लिखूं 13-3x इक्वल टू सपोज x-3। इन क्वेश्चंस में अक्सर क्या होता है कि आपसे ये नंबर ऑफ रूट्स पूछते हैं, तो जो आप वैल्यू आप निकालना एक्स की, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि आप इसको सॉल्व करते हैं तो अंडर रूट वाले क्वेश्चन में हमेशा मिस्टेक्स होती है। तो जैसे आपने मान लो इसको सॉल्व किया, तो स्क्वायरिंग करी 13-3x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, देन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब आपने इसके फैक्टर बनाए तो x माइनस 4 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 0, आपको यहां पर टू रूट्स मिले। एक्चुअल में नंबर ऑफ रियल रूट्स पूछते हैं हमेशा। अब लॉजिकली देखिए, अगर मैं माइनस 1 यहां पुट कर दूं, राइट, और फंक्शन के कंसेप्ट पूरे लगेंगे, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी है। तो अगर मान लो मैं यहां पर माइनस 1 पुट कर दूं तो क्या होगा, देखिए 13-3 इंटू माइनस 1 ये कितना मिलेगा 4, पर यहां माइनस 1 पुट कर दूं तो ये मिलेगा माइनस 4, यानी माइनस 1 इसका रियल रूट नहीं है। अब 4 रख के देखिए, 4 रखा तो 13-12 1, 4-3 1, 4 इसका रियल रूट है। तो आपसे नंबर ऑफ रियल रूट्स कभी भी पूछे जाए तो आप बोलेंगे 1। तो ये एक टाइप ऐसी है जिसमें अक्सर हमसे मिस्टेक होती है, इसमें बहुत केयरफुल रहिएगा, अदरवाइज आपसे मिस्टेक हो सकती है, राइट। तो ये कुछ टाइप्स हैं जिनको मैं बताता चलता हूं। मैं आपके साथ क्वेश्चन जेई वाले लेता हूं जिससे और क्लियरिटी आएगी आपको कि इस टॉपिक्स में क्या करना है, यानी इस टॉपिक्स को हमें क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पता क्या होता है, क्लास 9-10 से पढ़ना है, पर जेई के क्वेश्चन जब आते हैं तो किस ढंग से उसको सॉल्व करना है वो समझना जरूरी है। तो अंडर रूट वाले क्वेश्चन से बहुत केयरफुल रहिएगा कि, और इनकी प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, इसमें अक्सर मिस्टेक हो जाती है। अब मैं आपके साथ दो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जिनको, जो अक्सर हमारे साथ प्रॉब्लम्स आती है जिनमें। अब जैसे एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, साथ में उसके रिलेटेड आपको रिवीजन भी करवाता चलूंगा। तो अंडर रूट वाले क्वेश्चन में हमेशा नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन पूछते हैं, तो जो भी रूट्स निकले उनको एक बार चेक जरूर कर लीजिए। अब एक देखिए क्वेश्चन जो जेई में आया हुआ है कि लेट अल्फा बीटा बी द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, देन अल्फा पावर 15 प्लस बीटा पावर 15 इक्वल टू। अब आप समझिएगा, जैसे ये क्वेश्चन मैंने देखा, अब मैं आपको इसके साथ क्या क्या चीजें रिवाइज करवाऊंगा, इसके साथ साथ क्या क्या चीजें आपको रिकॉल होना चाहिए, वो एक चीज डेवलप कर ली आपने तो आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आप सोचिए कि आपको इस तरह का क्वेश्चन हमेशा मिलता है। अब मैंने आपको अभी बोला था कि जब हम किसी और एग्जाम की बात करते हैं अलग बात है, पर जेई की बात करते हैं तो उसमें इंटरकनेक्शंस बहुत होते हैं टॉपिक के, जैसे इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत बड़ा रोल है। अगर उसकी प्रॉपर्टीज के साथ किया क्वेश्चन बहुत जल्दी होगा, कैसे वो बताता हूँ। पर इसके पहले एक बेसिक जरा रिवीजन करवाऊँ कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, अगर इसके रूट अल्फा बीटा है तो कई बार आपसे पूछते हैं फाइंड अल्फा पावर 101 प्लस बीटा पावर 207, कुछ भी हो सकता है, कई बार ये क्वेश्चन बोला जाता है।
अब देखिए जैसे ही क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में ही रिकॉल हो गया, यानी अभी मुझे, मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि आपको करना ये चाहिए रिवीजन के समय, अगर आप बुक खोल के पढ़ते हैं तो आप एक टॉपिक को एक दिन में भी निपटा पाएं ये मुश्किल होगा, पर आप बिना बुक खोल के करते हैं तो आप एक दिन में एक नहीं चार चार टॉपिक कवर कर सकते हैं सभी सब्जेक्ट के, और फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ जो चीजें मिसिंग है, जो चीजें मैं जैसे मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूं, जो चीजें मैं मान लो मिसिंग है वो मैं क्वेश्चन के थ्रू आपकी रिवाइज करवा रहा हूं। आप भी ऐसे ही करिए कि बेसिक जितना आता है वो रिवाइज कर लीजिए, ब्लैंक पेज पे लिखिए, उसके बाद फिर उन क्वेश्चंस को लीजिए जो आए हुए हैं और फिर उससे रिलेटेड थ्योरी रिवाइज करिए। देखिए आप पूरा टॉपिक भी रिवाइज हो गया, क्वेश्चन भी बन गया, कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो गया। ये चीज समझिए, अब मान लीजिए ये क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन का आपको एक बात पता है कि अगर जब हम इसके रूट्स निकालते हैं तो इसके रूट्स इमेजिनरी होते हैं क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से बना हुआ है। तो आपने इसको निकाला तो ये सब चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, तो इसमें एक रूट होता है -1 + √3i/2, एक होता है -1 - √3i/2, तो एक को हम नॉर्मली ओमेगा तो दूसरा अपने आप ओमेगा स्क्वायर हो जाता है। अब जैसे ही ये आया यहीं की यहीं इसकी बेसिक रिविजन कर लो कि 1 + ω + ω² क्या होता है 0, ओमेगा क्यूब क्या होता है 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी आपसे कुछ भी पूछा जाए बता सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर लॉजिकली ये ओमेगा की पावर 101 है प्लस ये ओमेगा स्क्वायर की पावर 207 है। अब ओमेगा की पावर 3n हमेशा याद रखिए 1 3n + 1 होता है ओमेगा और 3n + 2 होता है ओमेगा स्क्वायर। पावर में ट्रिक है 3 का डिवाइड करो रिमाइंडर 0 मिले तो 1, रिमाइंडर 1 मिले तो ओमेगा, रिमाइंडर 2 मिले तो ओमेगा स्क्वायर। अब क्या होगा कि आपने यहां पर इसका सम किया तो आपको इसमें रिमाइंडर कितना मिलने वाला है 2, तो ये मिला ओमेगा स्क्वायर, राइट। ये एक तरह से 414 है, ये पूरा डिवाइड हो गया कंप्लीटली, तो इसका मतलब ये मिला रिमाइंडर 0। और अगर रिमाइंडर जीरो मिला तो इसका मतलब हुआ कि आपको 1 मिला, यानी 1 + ω² यानी -ω आंसर हो गया। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिस पे अगर आपने वर्क कर लिया, जिस टेक्निक्स पे आपने काम कर लिया, आपकी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, ये बात दिमाग में रखिएगा। प्रॉब्लम यही होती है, ये जैसे अब ये है, अब ये वाली इक्वेशन है, मान लो x² - x + 1 = 0, इसके रूट्स कभी भी बोले जाएं तो वो होते हैं -ω - ω² क्योंकि इसमें प्लस की जगह माइनस आ गया। अब कभी भी अल्फा बीटा ये दिया तो इसके रिलेटेड रूट्स को हम याद कर लें। तो आप छोटी छोटी चीजों को समझते हुए चलिए। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें प्लस वन नहीं है, प्लस टू है, पर हम यहां पर एक काम कर सकते थे। कैसे? क्योंकि ये क्वेश्चन एक ऐसा था जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन के थ्रू हम इस क्वेश्चन को भी समझें। मैं चाहूं तो इसको ऐसा लिख सकता हूं x + 2x + 1 = -1, यानी x + 1 का होल स्क्वायर = -1, यानी x + 1 = ±i। यस और नो? x + 1 = ±i। देखिए कितनी जल्दी हो जाएगा। इसका मतलब x = -1 + i, एक रूट ये हो गया और एक हो गया x = -1 - i, ये बीटा हो गया। अब ये इसका कॉन्जुगेट है। अब कॉन्जुगेट की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो ध्यान रखना कि जेड x + i y है, ये इंटरकनेक्शन होता है। जब बात आती है जेई की तो हम ये नहीं समझ पाते कि हम कहां पर मिस्टेक कर रहे हैं। मिस्टेक हम कर रहे हैं क्या कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो ये समझ ही नहीं पा रहे कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये नहीं, देखिए पहला क्वेश्चन ही उठाया, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक है ही नहीं, किसका कंसेप्ट लग रहा है? कॉम्प्लेक्स का। ऐसे क्वेश्चंस आप देखते जाओगे तो आप समझोगे कभी फंक्शन का लगेगा। ये चीज अगर आपने डेवलप करी, जो मैंने पूरी तरह से कोशिश करी है फाउंडेशन कोर्स में कि इस चीज को डेवलप करो, क्या चीजें हैं जो पढ़ना है। आप गाइड पे गाइड सॉल्व कर रहे हो, पर जो पढ़ने वाली इंपॉर्टेंट चीजें उनको अगर आपने फोकस कर लिया तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तो आप देखिए क्या हो गया, ये हो गया। अब ये डेट z·x - i y, राइट। अब इसकी पोलार फॉर्म क्या होती है, अगर मैं बोलूं तो r·cos θ + i sin θ। कभी भी याद रखिए इसके कॉन्जुगेट की पोलार फॉर्म ये होगी cos θ - i sin θ। अब देखिए मैं क्वाड्रेटिक की जगह आपको कॉम्प्लेक्स पढ़ा रहा हूं, क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का पढ़ा कॉम्प्लेक्स था, यही चीजें हैं जिसको समझना है। इनफैक्ट मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की भी क्विक रिवीजन क्लास लूंगा क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है और मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको टॉपिक कवर करवाऊंगा। अब देखिए ये आ गया। अब यहां पर ये सब करना नहीं, ये सब आपको आना चाहिए तो आप इमीडिएटली क्वेश्चंस को सेकंडों में सॉल्व कर पाओगे। अब मैं बात करूं आपसे कि डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, जेड पावर एन क्या होता है, तो आर पावर एन कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। अगर मैं इसमें लगाता तो जेट बार की पावर एन ये क्या होता, आर की पावर एन कॉस एन थीटा माइनस आयोटा साइन एन थीटा। अब मैं आपसे कभी बोलूं इन दोनों को ऐड कर दो
ये रिजल्ट बहुत अच्छे से याद रखना आप लोग बेटा, जेड पावर एन प्लस जेड बार की पावर एन, तो आप याद रखिएगा जब ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा टू टाइम्स ऑफ आर पावर एन कॉस एन थीटा। और अगर कभी सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो भी रिजल्ट याद रख लीजिएगा, काम आएगा, फिर मिलेगा टू टाइम्स ऑफ आर पावर एन आयोटा साइन थीटा, इसमें आयोटा भी आएगा। अब ये सब क्यों रिवाइज करवाया, क्योंकि ध्यान दीजिए ये दोनों जो हैं, ये दोनों को अगर मैंने कॉम्प्लेक्स पोलार फॉर्म में लिख लिया तो इसका मतलब है मैं इस क्वेश्चन को बहुत इजीली हैंडल कर सकता हूं। अब इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा देखिए जरा ध्यान से, तो यहां पर आके मैं एक चीज समझ पाऊंगा कि इजीली कि अल्फा पावर मतलब इसका आपको अगर मैं बोलूं जेड माइनस वन प्लस आयोटा, अगर मैं इसका बोलूं आर तो दोनों के ही आर रूट टू होंगे, यस और नो, इसका मतलब वो वाली प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं इसकी पोलार फॉर्म बनाऊं तो अब पोलार फॉर्म में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है किसका, आर्गुमेंट का। अब अगली मिस्टेक आर्गुमेंट में होने वाली होती है, वो चीज अगर नहीं पकड़ी फिर मिस्टेक होने लगती है, और ऐसी मिस्टेक करने के वजह से हमारे अटेम्प्ट कम होते हैं या अटेम्प्ट होने के बाद भी हम पीछे चले जाते हैं। वहां पीछे नहीं जाना, हर एक चीज को ऑब्जर्व करना, बहुत ही क्विक ब्रेन आपको डेवलप करना है अपना। और एक चीज याद रखिए, अब जैसे ये आया तो अब मेरे दिमाग में क्या आया, आप सुनिए, मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं अभी मैं रिवीजन के समय क्या क्या चीजें रिवाइज करवा रहा हूँ वो बता रहा हूँ। तो आर क्या होता है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, थीटा क्या होता है, टेन इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल, मैं बोलते ही हूँ इमेजिनरी अपॉन रियल, एंड थीटा लाई बिटवीन माइनस पाई टू प्लस पाई। अब ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी कहलाता, अगर इसमें मिस्टेक हो गई तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, तो देखिए अब सिंपली आप साथ में करते चलिएगा, मेरे साथ साथ सुनिए करिए, क्योंकि अब वही समय है। तो अब यहां पर देखिए क्या होगा कि जब मैं बात करूंगा इसके माइनस वन प्लस आयोटा के, तो देखिए आर तो रूट टू होगा, पर जब थीटा की बात आएगी तो टेन इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल, ये माइनस वन देख के आप माइनस फाइव बाई फोर भी बोल सकते हैं, थ्री पाई बाई फोर भी बोल सकते हैं, पर क्या बोलेंगे, दो बातें आएंगी दिमाग में, माइनस फाइव बाई फोर थ्री पाई बाई फोर क्या बोलेंगे, ये डिपेंड करेगा, मैंने आपको इनवर्स के कंसेप्ट बहुत स्ट्रांगली बताए हुए हैं, समझिए ये किस क्वाड्रेंट में है, माइनस वन प्लस आयोटा, सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा पाई बाई फोर, भूल जाओ माइनस को, पर यहां से यहां तक जाना है तो थ्री पाई बाई फोर इज अ राइट, यानी अगर मुझे इसकी पोलार फॉर्म लिखनी होती तो मैं लिखता रूट टू कॉस थ्री पाई बाई फोर प्लस आयोटा साइन थ्री पाई बाई फोर। अगर मुझे अब इसकी पोलार फॉर्म लिखनी है अगले की, तो अगले की पोलार फॉर्म देखिए क्या होगी, सारी चीजें क्लियर कर ली एक बार, तो कोई ऐसा रूल नहीं है, कोई ऐसा हो नहीं सकता कि आप इसको नहीं कर पाए। अब बात करते हैं माइनस वन माइनस आयोटा की, अब माइनस वन माइनस आयोटा की अगर बात करूं, आज मैं बता दूं आपको मेरे साथ इतने सारे ऑनलाइन नाइन टेंथ तक के स्टूडेंट जुड़ गए, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल तरीके से सारी चीजें कवर की, टेन इनवर्स माइनस वन अपॉन माइनस वन, अब फिर मिस्टेक, टेन इनवर्स वन देख के फिर मिस्टेक, क्या आप इसे लिख देंगे पाई बाई फोर, नो, जब भी आर्गुमेंट बताएं तो बहुत केयरफुल रहें कि आर्गुमेंट के समय क्वाड्रेंट देखना जरूरी है, इसको कोई भी पाई बाई फोर लिख देगा, अब ये किस क्वाड्रेंट में, थर्ड में, तो थर्ड क्वाड्रेंट का कभी भी याद रखिए क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये होगा माइनस थ्री पाई बाई फोर, वैसे भी ये इसका कॉन्जुगेट है, इसका कॉन्जुगेट है, कभी भी याद रखिए कॉन्जुगेट में केवल निगेटिव में चेंज आता है, तो इसका मतलब अगर मैं चाहता तो डायरेक्ट लिख सकता था, पर अभी क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूं तो मैं डायरेक्ट भी ऐसा लिख सकता था रूट टू कॉस थ्री पाई बाई फोर माइनस, अब यहां माइनस क्यों आया, क्योंकि आपको पता है कॉस माइनस थीटा प्लस होता है और साइन माइनस थीटा माइनस होता है, पर आप डायरेक्ट लिख सकते थे, पर मैं ये इसलिए बताना चाहता था कि यहां पर मिस्टेक होंगी, मिस्टेक से ये नहीं पता होते हमें कहां कहां मिस्टेक कर सकते हैं, वो एक बार समझ में आने लगा कि यहां यहां मिस्टेक हो सकती, प्रॉब्लम खत्म। आप ट्रिक के पीछे भागते हो, ट्रिक कुछ नहीं होती, क्योंकि ट्रिक्स क्वेश्चन के ऊपर मिलती है, वो ट्रिक्स में कई बार फेल हो सकते हो आप, क्योंकि फिर सोचते हो इस क्वेश्चन पे ट्रिक लगेगी कि नहीं लगेगी, कंसेप्ट बिल्ड कर लो अपने आप ट्रिक्स आ जाएंगी, तो क्या मिस्टेक हो सकती है वो समझ में आ गया तो अपने आप ही आपके स्कोर हाई हो जाएंगे। अब अगर इस क्वेश्चन को मैं समझू तो ये पावर 15 है, मेंटली कर सकता हूं, कैसे, क्योंकि मैंने अभी बताया कि इसके ऊपर ही पावर आपको एक तरह से 50 लेनी, ये अल्फा है ये बीटा है, तो रूट टू की पावर 15 बार, अब मैंने आपको बोला टू टाइम्स ऑफ कॉस थ्री पाई बाई फोर, राइट, अब रूट टू की पावर 15 इंटू टू कॉस थ्री पाई बाई फोर माइनस वन बाय रूट टू, एक रूट टू कैंसिल, यानी रूट टू की पावर बची 7, तो मतलब रूट टू की पावर 14, यानी टू की पावर 7 इंटू टू, और एक टू और है माइनस टू, 56 से जा
राइट आंसर। अब देखो इस एक क्वेश्चन के साथ मैंने कितनी चीजें रिवाइज करी, वो चीजें अगर आपने करी हुई हैं या कर रहे हो तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो। दूसरा, मिस्टेक्स कहां कहां हो सकती है वो अगर एक बार समझ में आ गया कि यार ये जगह है जहां पे मिस्टेक हो सकती है, वो चीज समझ ली, आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो अगर आप पढ़ना चाहते हो, आप सही में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो, तो ट्रिक नहीं, कंसेप्ट पे, लॉजिक पे, इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस करो, मिस्टेक्स एरिया को समझो, देखो आपको कैसे स्कोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में एक चीज समझ में आ गई होगी कि क्या क्या चीजें हैं जो आपको समझनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो देखिए क्या है, द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज द लीस्ट वैल्यू। मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री माइनस लैम्डा इंटू एक्स प्लस टू इक्वल टू लैम्डा हैज द लीस्ट वैल्यू। द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये लीस्ट होना चाहिए। मैंने अभी आपको बोला कि जब हम जेई के क्वेश्चंस की बात करते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं, बल्कि उसके कंसेप्ट बनाने पड़ते हैं हमें। अब यहां पर अगर हम देखें तो इसमें एक चीज समझिए कि अब आपको इसमें बताना लैम्डा क्या हो सकता है। अब सिंपल, अल्फा स्क्वायर, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में क्विक रिवीजन में बताया क्या, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस बी बाय ए, यानी थ्री माइनस लैम्डा का स्क्वायर माइनस टू इंटू टू माइनस लैम्डा, यस और नो? अगर मैं इसको ओपन करूं तो कितना हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस सिक्स लैम्डा प्लस नाइन माइनस फोर प्लस टू लैम्डा, यानी फाइनली लैम्डा स्क्वायर माइनस फोर लैम्डा प्लस फाइव। आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, लैम्डा माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वन। अब लीस्ट वैल्यू पूछी है कि क्या हो सकती है इसकी लीस्ट वैल्यू, तो अगर मैं ठीक डिफरेंशिएट करके कर सकते थे यहां पर डिफरेंशिएट की जरूरत नहीं है, डिपेंड ऑन क्वेश्चन। आपको याद होगा फाउंडेशन में चीजें मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करी थी कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो लीस्ट कैसे निकालते हैं, तो आप लैम्डा की अगर वैल्यू आप टू रख देंगे तो उस समय जीरो होगा, तो आपको लीस्ट वैल्यू क्या मिलेगी, वन। यानी इसका करेक्ट आंसर हुआ वन, इसकी लीस्ट वैल्यू ही वन। इसे बस ये कितने बेसिक्स क्वेश्चंस हैं जिन पे आपको वर्क करना है। आपको ये चीज समझ में आ गई, आप नेक्स्ट पेपर में देखिए कैसे अच्छे से स्कोर करेंगे। तो इन चीजों पे अगर आपने फोकस किया, वर्क किया, 100% बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम अगला क्या क्वेश्चन आया हुआ है वो भी समझते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में है द नंबर, अब ये ध्यान रखिएगा, इसमें लैम्डा की वैल्यू पूछी है, लैम्डा की वैल्यू टू है और लीस्ट वैल्यू कितनी है, वन। तो इसकी लीस्ट वैल्यू वन कब है, जब लैम्डा क्या है, टू। अब अगला क्वेश्चन देखें हम, तो देखिए क्या है, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू फॉर एम फॉर विच क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, क्या क्वेश्चन है समझिएगा जरा, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एम, एम की कितनी इंटीग्रल वैल्यू हो सकती हैं, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एम फॉर विच द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या है, देखिए वन प्लस टू एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस नहीं माइनस है, माइनस टू इंटू वन प्लस थ्री एम इंटू एक्स प्लस फोर इंटू वन प्लस एम, एक्स बिलोंग टू रियल इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो कितनी नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू हो सकती है, बहुत अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए मैं फिर बोलूंगा कि यही एक चीज है जो आपको डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि हमें कई बार ये समझ में नहीं आता कि हम क्या चीजें हैं जो इंप्रूव करें। अब ये बोला है कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव हो, मींस दिस इज पॉजिटिव क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद इक्वेशन पर बेस्ड है, तो एम की कितनी इंटीग्रल वैल्यू हो सकती है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती। अब सबसे पहले एक चीज सुनिए, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, देखिए मैंने आपको बोला ना, जो चीज हम थ्योरी के समय रिवाइज नहीं कर पाए वो यहां करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन जीरो में, याद रखिएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो। अगर कभी भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्रेटर देन एक्सप्रेशन है
तो उसका डिस्क्रिमिनेंट हमेशा 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 लेस देन जीरो होगा। इस मीन्स कि यहाँ पर आप बोलेंगे कितना, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 1 प्लस 3 एम का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 2 एम इंटू 4 इंटू 1 प्लस एम, दिस इज लेस देन जीरो, राइट, दिस इज लेस देन जीरो। बस अब क्या होता है, ऐसे में कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक के चांस होते हैं, उस पर बहुत ध्यान रखना है। तो यहां पर आपको मिल गया 1 प्लस 3 एम का होल स्क्वायर, 4 टाइम्स 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 2 एम ए इंटू सी। अब एक 4 हटा दीजिए, अब क्या बचा, 1 प्लस 6 एम प्लस 9 एम स्क्वायर माइनस, जहां पे लगे कि मिस्टेक हो सकती है कैलकुलेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक स्टेप ज्यादा लिख लो, जहां लगता है बिल्कुल। अब एक 4 हट गया, एक 4 आ गया, आपने बाहर लिख दिया, क्या हो जाएगा बोलो, 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m 3m प्लस 1, दिस इज लेस देन 0। यानी अगर हम फाइनली देखें तो 9m स्क्वायर माइनस 8m स्क्वायर यानी m स्क्वायर, ये हो गया माइनस 12 प्लस 6 है तो माइनस ऑफ 6m 1, और ये है कितना माइनस 4, दिस इज माइनस 3, ये लेस देन 0 होना चाहिए। अब ये लेस देन जीरो होना चाहिए, अब इसके कोई फैक्टर तो बन नहीं रहे, राइट, इसके कोई फैक्टर तो बन नहीं रहे। और इसमें भी एक और चीज बोली है, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एम फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू पूछी है। तो अब एक चीज बताइए मुझे कि इसमें फैक्टर नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, फैक्टर नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, फॉर्मूले मेथड से अगर मैं इसको फैक्टर बनाता इन इक्वेशन को, देखो इसलिए स्टार्टिंग में इन इक्वेशन का भी रिविजन करवाया, पढ़ क्वाड्रेटिक रहे हो कॉन्सेप्ट क्या लग रहे हैं, तो आप ऐसा लिखते m इक्वल टू 6 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 36 प्लस 12 यानी 48 बाय 2, तो 6 48 मतलब 16 3 जा तो 4 रूट 3 बाय 2 यानी आप बोल सकते हो 3 प्लस माइनस 2 रूट 3, यस और नो, या ऐसा भी बोल सकते हो 3 प्लस माइनस रूट 12, 3 प्लस माइनस रूट 12, इसका मतलब अब ये लेस देन 0 है तो आपको एक मिला 3 माइनस रूट 12, एक मिला 3 प्लस रूट 12, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अभी आपकी रिक्वायरमेंट ये है। अब इंटीग्रल वैल्यू पूछी है, अब आपको ये पता है कि 3 माइनस समथिंग यानी ये नेगेटिव मिलेगा, तो पहले मिल गया 0, 3 प्लस 3 पॉइंट समथिंग यानी 6 पॉइंट समथिंग, तो हम कहां तक जा सकते हैं 6 तक, तो टोटल कितने मिल गए 7। देखिए ये 7 इंटीग्रल वैल्यू ऐसी होंगी जिस पे कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा लेस देन सॉरी ग्रेटर देन 0 या पॉजिटिव रहेगा। यही चीजें हैं जिस पे आपको वर्क करना है, इन्हीं चीजों को समझना है, सब क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन फिर आने वाले हैं और आपको लगेगा कि नहीं हो पाएंगे, आपसे हर क्वेश्चन हो सकता है, बशर्ते कि आप अपने फंक्शन को बेसिक को बहुत ही स्ट्रांगली पढ़ें, बिल्कुल पहले ग्राउंड लेवल पे वर्क अच्छे से करें, अपने आप टफ क्वेश्चंस आपको बनने लगेंगे, राइट, नोट कर लीजिए। यस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सारे एक्चुअल क्वेश्चन हैं जो इस बार एग्जाम में आए हुए हैं और इन क्वेश्चंस का करवाने का पर्पज ये है कि रिवीजन में क्या मिस्टेक होती है, आप बार बार टॉपिक पढ़ते जाते हैं कमांड नहीं आता, टॉपिक पढ़ें, थ्योरी पढ़ें, बेसिक करें और उसके बाद क्वेश्चन से रिलेटेड थ्योरी पढ़ें, आपके अपने आप कॉन्सेप्ट बनेंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ वन रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 81 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 256 इक्वल टू 0 इज क्यूब ऑफ द अदर, मतलब एक रूट अल्फा है तो दूसरा अल्फा क्यूब, बस क्वेश्चन यही समझ लो। इफ वन ऑफ द आप के से रिलेटेड पूछा होगा, इफ वन रियल रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 81 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 256 इक्वल टू 0 इज क्यूब ऑफ द अदर रूट, देन द वैल्यू ऑफ के, के का वैल्यू क्या होगा। अब ऑप्शन कुछ इस ढंग से दिए देख लेते हैं, माइनस 81 100 माइनस 300 एंड 144, राइट, क्या करेंगे, आपको समझ में आ रहा होगा कि एक रूट अल्फा है, एक अल्फा क्यूब, दिस इज माइनस के बाय 81 एंड अल्फा इंटू अल्फा क्यूब इक्वल टू 256 बाय 81, इसे 4 की पावर 4, राइट, इसे 4 की पावर 4, इसे 3 की पावर 4, यानी अल्फा इक्वल टू हो गया 4/3। लॉजिकली देखें तो आपको प्लस माइनस लेना चाहिए, है ना, अल्फा 4 कितना हो गया प्लस माइनस 4/3, पर अभी ये भी लिख देंगे तो चलेगा। अब आपको अल्फा की वैल्यू डाल दीजिए तो 4/3
प्लस 64 बाय 27 इक्वल टू माइनस के बाय 81। देन एलसीएम आ गया 27, तो 9 36 प्लस 64 अपॉन माइनस के बाय 81 क्या हो जाएगा, ये देखिए ये 3 टाइम कैंसिल, तो के इक्वल टू, ये 100 हो गया तो के इक्वल टू माइनस 300। दिस इज द राइट आंसर। मतलब क्वेश्चन कितना सिंपल था, बेसिक प्रॉपर्टी पे बेस्ड था, आप इजीली कर सकते थे। नोट कर लीजिए, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, और ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में आंसर जैसे माइनस 300 था, ये अल्फा पावर 4 थी, तो इसका आंसर एक्चुअल में तो प्लस माइनस 300 होता, पर प्लस नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें ध्यान रखिएगा, क्योंकि इवन पावर है, प्लस माइनस आएगा, पर नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चंस को समझिए, करिए, आपको कौन सा सेट मिलेगा कुछ नहीं कह सकते, पर तरीका क्या होना चाहिए वो पता होना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये, इफ लैम्डा बी द रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब अल्फा बाय बीटा इक्वल टू एक तरह से लैम्डा दिया है, ठीक है। इफ लैम्डा बी द रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स, 3m² x² प्लस m इंटू एम माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ m, देखिए फिर से वही मैक्सिमम नहीं हुआ बेस क्वेश्चन आ गया, लीस्ट वैल्यू ऑफ m फॉर विच लैम्डा प्लस 1 बाय लैम्डा इक्वल टू 1, ये गिवन है। इसके ऑप्शन कुछ इस तरह के हैं, अब लीस्ट वैल्यू बोली है 4 माइनस 3 रूट 2 माइनस 2 प्लस रूट 2 और 4 माइनस 2 रूट 3, अब क्या होगा वो देख लेते हैं, पर लीस्ट वैल्यू बोली है इसका मतलब आप समझिए, आपको सबसे पहले तो रूट्स के रेशियो क्या दिए, लैम्डा, अल्फा बाय बीटा लैम्डा है, अब लैम्डा प्लस 1 बाय लैम्डा 1 है, एक तरह से आपको अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा इक्वल टू 1 है, यानी हम लॉजिकली बोले तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा बीटा, या अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 अल्फा बीटा, ये रिलेशन बन गया आपके पास। अब अल्फा प्लस बीटा मतलब m इंटू एम माइनस 4 का 4 अपॉन 3m² का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा मतलब 2 अपॉन 3m², यस और नो, 3 से 3 कैंसिल। अच्छा एक चीज देखिए, ये हुआ m स्क्वायर इंटू, तो एक चीज समझिएगा, m स्क्वायर से एक ये ऐसा m बचा, तो m स्क्वायर भी कैंसिल, तो m माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 2 18। देखिए बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है, यानी सिमिलर क्वेश्चंस कितने हैं, और इस बार हम ये ध्यान रखेंगे कि जो ऑनलाइन के पेपर होंगे जैसे जैसे आते जाएंगे आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपका जो भी स्लॉट हो आप इन पेपर्स के सॉल्यूशन जरूर देखिएगा, जो मैं सिंपलेस्ट अप्रोच से सॉल्व करूंगा। तो ये 3 का स्क्वायर हुआ 9, 9 यहां आ गया तो 18, और ये m स्क्वायर सब कैंसिल, तो m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 16 माइनस 18 यानी माइनस 2 इक्वल टू 0, राइट। स्टेप सेव करना सबसे इंपॉर्टेंट है, तो m इक्वल टू 8 प्लस माइनस 64 प्लस 8, मत 64 प्लस 8 मीन्स 72 बाय 2, राइट। अब देखिए इसको आप ब्रेक कर लीजिए, क्योंकि यहां पर कितना आ गया है 72 आ गया है, तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 8, यस और नो, या ऐसा भी बोल सकते हो आप एक तरह से इसमें कि 36, तो m इक्वल टू 8 प्लस माइनस 6 रूट 2 बाय 2, यानी m इक्वल टू 4 प्लस माइनस 3 रूट 2। अब आपसे लीस्ट वैल्यू पूछिए, तो लीस्ट हमेशा छोटी होगी, तो 4 माइनस 3 रूट 2 इज अ राइट आंसर, 4 माइनस 3 रूट 2 इज अ राइट आंसर, यानी आपको कोशिश ये करनी है कि कम से कम स्टेप्स में लिखे क्वेश्चंस को कहाँ पे क्या चीजें समझ सकते हैं वो बतानी है। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर आप अच्छे से कर लें, टॉपिक का कमांड करें, रिलेटेड टॉपिक्स को रिवाइज करें, अपने आप आपके स्कोर्स बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ कॉट इनवर्स, अब ये थोड़ा सा इनिक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, और जो भी रिलेटेड डाउट है वो पूछते चलना। ऑल एक्स सेटिस्फाइंग द इनइक्वलिटीज कॉट इनवर्स एक्स का स्क्वायर माइनस 7 टाइम्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स प्लस 10 ग्रेटर देन 0,
लाए इन द इंटरवल, ये किस इंटरवल में लाए करेंगे? ऑप्शन है माइनस इन्फिनिटी टू कॉट फाइव यूनियन ऑफ कॉट फोर टू कॉट टू, बी है कॉट फाइव कॉट फोर, सी है कॉट टू टू इन्फिनिटी, और डी है माइनस इन्फिनिटी टू कॉट फाइव यूनियन ऑफ कॉट टू टू इन्फिनिटी। ये ऑप्शंस हैं। इन इक्वेशंस बहुत अच्छे से पढ़िए, आपको दिख रहा है इसके फैक्टर बन जाएंगे। कॉट इनवर्स एक्स जैसे टी है तो टी स्क्वायर माइनस सेवेंटी प्लस टेन, तो डायरेक्टली टू और फाइव बनेंगे, तो कॉट इनवर्स एक्स माइनस टू कॉट इनवर्स एक्स माइनस फाइव ग्रेटर देन जीरो। अगर हम रियल लाइन पे समझें तो एक तरह से x की एक वैल्यू आ गई cot 2, x इक्वल टू एक आ गया cot 2, एक आ गया x इक्वल टू cot 5। अब cot है, याद रखिए cot है, tan नहीं है, tan इंक्रीज होता है 0 से पाई बाई 2 में, cot डिक्रीज होता है, इसका मतलब अगर डिक्रीज होता है तो ऑब्वियसली सबसे पहले क्या आएगा cot 5, जैसे जैसे जाएंगे ये हो गया cot ऑफ 2, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो आपको पॉजिटिव चाहिए तो माइनस इन्फिनिटी टू कॉट फाइव यूनियन ऑफ कॉट टू टू इनफाइनाइट, राइट। इसमें याद रखिएगा किसकी वैल्यू कम है किसकी ज्यादा है वो देखते हुए चलिएगा। तो कॉट है तो कॉस अपॉन साइन से आप निकाल सकते हैं, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। यस क्लियर, क्लियर है बात। अच्छा आप ये पूछ रहे हो कि इसमें कॉट फाइव पहले क्यों लिया, कॉट टू याद रखिएगा ये सब रेडियन में, एक्चुअल में इसको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, तो वन रेडियन इक्वल टू 57 पॉइंट समथिंग डिग्री, तो आप जब उसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कॉट फाइव की वैल्यू कंपेयर टू, जैसे जब मैं आपसे पूछूं कई बार इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि साइन वन और साइन वन रेडियन विच वन इज ग्रेटर, ऑब्वियसली साइन वन, यही कॉस में होता तो कॉस वन और कॉस वन डिग्री कौन सा ग्रेटर है, ऑब्वियसली कॉस वन डिग्री, क्योंकि कॉस में वैल्यू स्टार्टिंग में ज्यादा होती है, तो ये एक छोटी सी चीज है जो ध्यान रखना जब आप इसको कन्वर्ट करोगे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखिए क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट, कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या क्या दिए वो देखते हैं, कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन c माइनस फाइव इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू सी एक्स प्लस सी माइनस फोर इक्वल टू जीरो। कंसिडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, c नॉट इक्वल टू फाइव ये गिवन है, वो इसलिए गिवन है कि c की वैल्यू फाइव रख दोगे तो ये क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा। कंसिडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब इसमें क्या बोला है वो देखिएगा जरा ध्यान से और समझिएगा। कंसिडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन c माइनस फाइव इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू सी एक्स प्लस सी माइनस फोर इक्वल टू जीरो, सी नॉट इक्वल टू फाइव, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ c, एस जो है वो सेट ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ c है, यानी c इंटीग्रल वैल्यू को बता रहा है। विच वन रूट ऑफ द इक्वेशन लाए इन द इंटरवल, इसका एक रूट जो है वो इंटरवल 0 से 2 में लाए कर रहा है, एंड अदर रूट लाए इन द इंटरवल 2 टू 3, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। ऑप्शन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इससे भी रिलेटेड बहुत सारी थ्योरी है जो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझें, तो इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सी की जो है इंटीग्रल वैल्यू होंगी कितनी होंगी वो बताना है, जबकि इस इक्वेशन का एक रूट 0 से 2 में है और एक रूट 2 से 3 में है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक कंसेप्ट समझें, जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, मान लीजिए x प्लस फाइव इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो इसके दो रूट्स हुए क्या, एक माइनस फाइव और एक हुआ थ्री, राइट। एक्चुअल में इक्वेशन ऐसी दी होती अगर पेपर में आती तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फिफ्टीन इक्वल टू जीरो। अब याद रखिए कि ठीक माइनस फाइव पर ये जीरो है, ठीक थ्री पे जीरो है, पर माइनस फाइव के पहले इसका नेचर कैसा है, हमेशा याद रखिए रूट के लेफ्ट और राइट पर नेचर, रूट के लेफ्ट और राइट पर नेचर हमेशा क्या होगा, एक पर पॉजिटिव तो दूसरे पर नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, यानी साइन इंटरचेंज होते हैं, जब भी वो एक्स एक्सिस को कट करता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा आपने, टू रियल रूट टू पॉइंट पे कट करेगा, वन रूट टच करेगा, नो रियल रूट लाइक दिस। तो अब यहां पर जैसे मैं एक एग्जांपल कि मान लो माइनस सिक्स रखूं, तो देखिए माइनस सिक्स रखिए जरा, तो माइनस सिक्स तो माइनस वन माइनस नाइन प्लस मिला, तो मैं अभी से बोल सकता हूं कि माइनस फोर पर
मैं अभी से बोल सकता हूं कि माइनस फोर पर आपको निगेटिव ही मिलेगा। रखिए माइनस फोर, तो देखिए निगेटिव आ गया। अब माइनस फोर पर निगेटिव है तो थ्री से बड़ी वैल्यू रखिए कोई भी, प्लस फोर, तो देखिए आप प्लस फोर रखेंगे तो आपको पॉजिटिव मिलेगा। यानी रूट के लेफ्ट और राइट पर नेचर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको पता है इंटरचेंज होते हैं, पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जीरो ये टू और ये थ्री, राइट, एक रूट जीरो से टू के बीच में है, एक रूट जीरो से टू के बीच में है और एक रूट टू से थ्री के बीच में है। इसका मतलब अगर मैं इसे एज अ फंक्शन मान लूं, इसे एज अ एक फंक्शन मान लूं, तो आप समझिएगा कितनी इजीली आप कर सकते हैं। अगर मैं इसे एफ एक्स इक्वल टू लिख लूं तो सी माइनस फाइव इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू सी एक्स प्लस सी माइनस फोर, अगर मैं एक्स के प्लेस पे जीरो रख दूं तो कितना मिलेगा मुझे, सी माइनस फोर। एक्स के प्लेस पर अगर मैं ठीक टू रख दूं, राइट, एक्स के प्लेस पर अगर मैं मान लीजिए थोड़ी देर के लिए क्या रख दूं कि टू रख दूं, तो बताइए क्या होगा, रूट हमें नहीं पता क्या है पर टू रख दूंगा तो क्या हो जाएगा, टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर, तो सी माइनस फाइव इंटू टू यानी फोर माइनस फोर सी प्लस सी माइनस फोर, यानी फाइनली आपको कुछ ऐसा मिलेगा फोर सी माइनस ट्वेंटी माइनस फोर सी प्लस सी माइनस फोर, यानी बेसिकली सी माइनस ट्वेंटी फोर, राइट। अगर सी के प्लेस पर आपने सॉरी एक्स के प्लेस पर अगर मैं थ्री रख दूं तो क्या मिलेगा, थ्री रख दूं तो थ्री का स्क्वायर नाइन, तो नाइन सी माइनस फोर्टी फाइव, थ्री रखा तो माइनस सिक्स सी प्लस सी माइनस फोर, राइट, नाइन प्लस टेन फोर सी माइनस फोर्टी नाइन, ये मिला आपको एक तरह से। अब इसका मतलब ये हुआ कि देखिए इस पर और इस पर इसके बीच में कहीं रूट लाया कर रहा होगा, यानी बीच में कहीं कट करके जा रही होगी इक्वेशन, एक ऐसी कुछ इक्वेशन हो सकती है। तो इसका मतलब इन दोनों को अगर हम देखें तो एक पर पॉजिटिव एक पर निगेटिव, एक पर पॉजिटिव एक पर निगेटिव, तो अगर इन दोनों फैक्टर का मैं मल्टीप्लाई कभी भी करूंगा तो लेस देन जीरो ही मिलेगा। ऐसे ही एफ टू इंटू एफ थ्री कर दूं तो भी क्या मिलेगा, लेस देन जीरो। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि सी माइनस फोर इंटू सी माइनस ट्वेंटी फोर लेस देन जीरो एक केस, और एक बनेगा सी माइनस ट्वेंटी फोर इंटू फोर सी माइनस फोर्टी नाइन लेस देन जीरो। अब इससे हमें कॉमन वैल्यू निकालनी है, अपने आप आ जाएगी हमारी कि कितनी आ जाएगी वैल्यू। अब देखिए इससे अगर कॉमन वैल्यू निकालू, लाइन तो मिल गई हमको, तो क्या क्या आएगी ये देखते हैं हम जरा। तो सबसे पहले हम एक चीज समझे, इसके रूट्स हैं 4 से 24, यानी 4 के बाद से लेके 24 में निगेटिव है, तो 5 से लेकर इंटीग्रल, यस। तो यहां पर एक चीज समझिए कितने आ गए, 5 से लेके 23, यानी 19 सॉल्यूशन पर, 19 नहीं बोलना हमको आंसर, क्यों, क्योंकि अभी एक चीज और समझनी है कि इन दोनों का कंबाइंड होगा, जब भी दो इनइक्वालिटीज हैं दोनों को मिला के। अब यहां पर कहां से स्टार्ट होगा ये 49 बाय 4 से कहां तक 24, और ये लेस देन इक्वल टू नहीं लगा, यानी इसके पहले 23 से 12 पॉइंट समथिंग है तो 13, 13 से 23 कितने नंबर होते हैं 11, तो 11 इज अ राइट आंसर। गलती से ऐसा मत कर देना 23 माइनस 13 करा तो 10 लगा दो, ये पॉसिबल मिस्टेक हो सकती है, ये नहीं करनी है, छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी। कितना अच्छा क्वेश्चन था, 0 से 2 में एक रूट है तो 0 और 2 पर नेचर निगेटिव, 2 से 3 में एक रूट है 2 से 3 में भी नेचर निगेटिव। अब आपने उस कंसेप्ट पे दो इनइक्वालिटी बनाई, दोनों से नंबर ऑफ कॉमन सॉल्यूशन निकाले। याद रखिएगा 13 से 23 कितने नंबर होते हैं, तो एक बात याद रखिए 23 में 12 नंबर हटा दीजिए तो बचे 11 नंबर, यानी ये इंटीग्रल वैल्यू हो सकती थी। क्लियर है बात, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को अच्छे से। यस, एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है क्वेश्चन आया हुआ है। इफ अल्फा बीटा बिलोंग टू सी, एक क्वेश्चन ऐसा भी था जो आपको पता है कैंसिल हुआ था, इफ अल्फा बीटा इसी सेम पैटर्न पे था। इफ अल्फा बीटा बिलोंग टू सी एंड डिस्टेंट रूट ऑफ द इक्वेशन, अल्फा बीटा बिलोंग टू सी एंड डिस्टेंट रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, अल्फा पावर 101 प्लस बीटा पावर 107 इज इक्वल टू, ऑप्शन है माइनस वन जीरो वन एंड टू। अब आप देखिए ये बिल्कुल रिविजन के समय बताया था, इसके रूट्स आपको पता है क्या होते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर, पावर ऑड दी है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो माइनस बाहर करके ओमेगा पावर 101 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 107, यस और नो, एक तरह से ये मिल गया आपको। यहाँ पर रिमाइंडर कितना मिला 2, तो ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर ये हो गया
कितना 20214 214 तो 7 तो रिमाइंडर 1 मिला तो ये मिला ओमेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस 1 तो प्लस 1 इज द राइट आंसर। इसमें प्लस माइनस की पॉसिबल मिस्टेक हो सकती थी। यानी कंसेप्चुअली क्वेश्चन को कैसे देखते हो, बेसिक क्या क्या चीजें हैं जो कैच करनी है जिससे मिस्टेक नहीं हो, अगर वो एक चीज क्लियर हो गई तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को।